नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आवाज को उड़ाने की धमकी देने के मामले में पुलिस के हाथ लगी कामयाबी। गोंडा से दो शख्स को किया गिरफ्तार। देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 311 मरीजों की मौत। 11,929 नए मामले आए सामने। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार के मैप में किसान और प्रवासी मजदूरों की नहीं है जगह। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना से लड़ने में मदद के लिए विशेषज्ञ समूह का किया गठन। भोपाल में कल से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल, मास्क लगाना होगा अनिवार्य। हेडलाइंस में बस इतना ही, लेकिन और खबरों के लिए आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।